हेलो एंड वेलकम टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा कमाल का है। टॉपिक का नाम है कि भैया हिडन स्टेशन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और एक्सपोज स्टेशन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। बड़े ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, बड़े ही इजी एग्जांपल के साथ मैं आज आपको समझाऊंगा कि भाई ये दोनों प्रॉब्लम्स है क्या, ये दोनों प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, क्या क्या वजह है इनकी। सबसे पहले देखते हैं हिडन स्टेशन प्रॉब्लम। नाम ही बता रहा है हिडन। जब कोई स्टेशन छुपा हुआ हो उसकी वजह से जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है देन वी कैन से हिडन स्टेशन प्रॉब्लम। सी फॉर एग्जांपल यहां पे 3 स्टेशन है। अभी इन 3 स्टेशंस में दोस्तों अभी क्या हो रहा है ना, जो आपका स्टेशन 1 है वो ट्रांसमिट कर रहा है डेटा स्टेशन 2 को। स्टेशन 1 जो है ट्रांसमिट कर रहा है डेटा स्टेशन 2 को, लेकिन अभी स्टेशन 3 की रेंज यहां तक है। स्टेशन 3 की रेंज यहां तक है। अभी क्या हुआ, ये क्या करेगा, इसको भी 3 को 2 को डेटा भेजना है। थर्ड स्टेशन जो है उसे सेकेंड स्टेशन को डेटा भेजना है, तो वो क्या करेगा, वो सेंस करेगा कि भाई और कोई स्टेशन तो नहीं है जो ट्रांसमिट कर रहा है डेटा, क्योंकि अगर कोई और ट्रांसमिट कर रहा होगा और उस वक्त अगर थर्ड ने ट्रांसमिट कर लिया, थर्ड स्टेशन ने अगर ट्रांसमिट कर दिया तो फिर इंटरफेरेंस हो जाएगा और दोनों का ट्रांसमिशन वही डेड हो जाएगा। तो अभी ये क्या करता है, सेंस करने की कोशिश करता है। इसकी रेंज यहां तक है, ओके ये भूल जाओ लगता है, तो इसकी रेंज यहां तक है, तो ये कहां तक है, सिर्फ 2 तक स्कैन कर सकता है। इसे 1 का एग्जिस्टेंस या फिर 1 का ट्रांसमिशन चल रहा है इसके बारे में इसे कुछ नहीं पता। 1 इज टोटली हिडन फ्रॉम 3। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, 1 इज टोटली हिडन फ्रॉम 3। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, थर्ड स्टेशन वाले ये क्या करते हैं, इनको जब लगता है, इनको जब सेंस होता है कि इस रेंज में तो कोई ट्रांसमिशन नहीं चल रहा, तो ये क्या करता है, ये भी ट्रांसमिशन करना शुरू कर देता है 2 को, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंटरफेरेंस हैपन एंड देयर इज अ प्रॉब्लम क्रिएटेड कॉल्ड एज अ हिडन स्टेशन प्रॉब्लम। तो यहां पे हुआ क्या, 3 वाज अननोन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ 1 एंड 3 वाज अननोन ऑफ दैट 1 इज ट्राइंग टू ट्रांसमिट द स्टेशन 2, एंड इस वजह से क्या हुआ, इंटरफेरेंस हो गया एंड पूरा का पूरा जो कनेक्शन था यानी कि जो ट्रांसमिशन था वो डेड हो गया, वो वहीं पे एंड हो गया, ओके कोलिजन हो गया। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ हिडन स्टेशन। यहां पे 1 इज सर्विंग एज अ हिडन स्टेशन फॉर 3 बिकॉज 3 इज नॉट अवेयर, बिकॉज उसकी रेंज ही भैया 2 तक है, वो सिर्फ सेकंड नोड तक ही सेंस कर पा रहा है, उतनी ही उसकी रेंज है। दिस इज कॉल्ड एज अ हिडन स्टेशन प्रॉब्लम। अभी देखते हैं एक्सपोज स्टेशन प्रॉब्लम क्या है। एक्सपोज स्टेशन प्रॉब्लम टोटली उल्टा है ऑफ हिडन स्टेशन। अभी क्या है, सी What is happening here? कि जो second है, मतलब second what I try to see, ये जो आपका second node है, ये transmit कर रहा है data आपके first node को। क्या कर रहा है? Second station जो है, वो आपके first station को data transmit करने की कोशिश कर रहा है। Okay? At the same time, जब वो transmit कर रहा है, third को भी क्या कर रहा है? जो third station है, वो भी transmit करना चाहता है data। See, मैंने क्या कहा? वो डेटा को ट्रांसमिट करना चाहता है। कहां करना चाहता है अभी तक मैंने स्पेसिफाई नहीं किया। थर्ड स्टेशन आल्सो वांट टू ट्रांसमिट द डेटा, लेकिन जब वो ट्रांसमिट करेगा, हमेशा कोई भी स्टेशन ट्रांसमिट करने से पहले सेंस करता है, क्या करता है, वो सेंस करता है कि कहीं कोई और ट्रांसमिशन तो नहीं चल रहा, क्योंकि अगर कहीं कोई और ट्रांसमिशन चल रहा होगा और मेरा भी ट्रांसमिशन अगर ऑन हो गया और दोनों में इंटरफेरेंस हो गया तो पूरे के पूरे जो भी ट्रांसमिशन चल रहा है वो एंड हो जाएगा वहीं पे। सो इसीलिए वो क्या करेगा, सबसे पहले सेंस करेगा बिफोर ट्रांसमिटिंग। तो जब वो सेंस करेगा तो उसका रेंज क्या है, उसका रेंज इतना है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, उसका रेंज इतना है, तो वो उस रेंज में चेक करेगा कि भैया कोई ट्रांसमिशन चल रहा है क्या, एंड ऑब्वियसली चल रहा है, 2 इज सेंडिंग द डेटा टू 1, तो वो रॉन्ग इंप्रेशन में आ जाएगा। वो कौन से रॉन्ग इंप्रेशन में आ जाएगा, कि 3 कैन नॉट, थर्ड स्टेशन विल बी इन अ रॉन्ग इंप्रेशन कि भाई अभी मैं डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता, एक्चुअल में इट कैन ट्रांसमिट द डेटा टू 4। Third station can transmit the data to 4, but due to this exposed station number 2, it is in a wrong perception कि मैं अभी किसी भी station को data transmit नहीं कर सकता या transmission carry out नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही मैं transmission carry out करूँगा interference हो जाएगा, इसीलिए वो wrong impression में आ जाता है। किस वजह से, because of this exposed node। इसे exposed node क्यों बोला, because इस node की वजह से ही third station is becoming in a wrong perception, उसे wrong perception हो गया कि I cannot transmit। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एक node exposed है, क्या exposed है, वो बता रही है node कि मैं transmit कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे transmission नहीं हो पा रहा, और यहाँ पे एक hidden
नोड था, एक हिडन स्टेशन था जिस वजह से इंटरफेरेंस हो गया था। सो दिस इज कॉल्ड एज हिडन स्टेशन प्रॉब्लम, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोज्ड स्टेशन प्रॉब्लम। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, ऐसी और वीडियोस चाहिए हो बड़े सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ विद इन 5 मिनट रिलेटेड टू कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो दोस्तों वो 3 मैजिकल चीजें जो आप कर सकते हो वो आज कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली मेरे चैनल 5 मिनट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।